वारदात हो रही थी। इसी को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान में लिया गया और इस पर सख्त निर्देश दिए गए कि इन पर कार्रवाई की जाए। इसमें टीम गठित की गई थी और कोतवाली थाना प्रभारी भोला सिंह के नेतृत्व में टीम बनी थी और इस लगातार काम कर रही थी। क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी हुई थी तो सभी जगह की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हमने खंगाला। लगभग 2 महीने के अंदर जितने भी मोबाइल चोरी हुई थे, सॉरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज को हमने देखा। उसमें एक पर्टिकुलर हुलिया आया, उसके आधार पर हमने आगे पूछताछ जारी रखी। उसे पता चला कि घूमका क्षेत्र का जो अशोक साहू है, ये पूर्व में भी कहीं दुर्ग जिले के किसी चोरी के मामले में गया हुआ है, उसका हुलिया लग रहा है। उस आधार पर उसको घर से उठाया गया और उसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उसने मामले को बताया कि वो लगातार चोरी कर रहा था और वो ये भी बताया था कि कहीं वो 1 लाख रुपए का वो लोन लिया था या किसी बैंक से, बैंक बंधन बैंक या कोई बैंक है, इसी प्रकार का गाँव तरफ चलता है, उससे उसको पटा नहीं पा रहा था, इसलिए वो इस कार्य को अंजाम दिया। किंतु वह पहले से भी चोरी को वारदात को अंजाम दे चुका है दुर्ग क्षेत्र में। तो उसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो लगभग 24 मोटरसाइकिल के बारे में भी हमको जानकारी दिया है, जिसमें 17 मोटरसाइकिल को बेच चुका था, जिसमें एक पवन नेताम है जो कि गातापार क्षेत्र के रहने वाले, उसको 7 मोटरसाइकिल दिया था उसने। एक है कुमान यदु करके, उसको भी 4 मोटरसाइकिल, और एक राजदीप साहू है, उसको भी मोटरसाइकिल दिया था इसने, और एक टिकेश्वर साहू। इस प्रकार से ये 4 लोगों को मोटरसाइकिल, 17 मोटरसाइकिल बेच चुका था, कम कीमत पर यह बेच रहा था अलग अलग जगहों पे। तो सभी मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। 7 मोटरसाइकिल को ये रेलवे स्टेशन के पार्किंग में रखा था और बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था, उसी दौरान ये पकड़ा गया है। इस प्रकार से इसके पास 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो कि डोंगरगढ़, खैरागढ़, दुर्ग क्षेत्र में चोरी की गई थी और राजनांदगांव में। तो हमारे जिले की अभी जो कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 मोटरसाइकिल का पता चला है, जो 24 में से है। अभी और भी चेक कर रहे हैं कि और थाने क्षेत्र में, जो कि हमारे जिले के किस किस थाना क्षेत्र में जो FIR दर्ज है, उसको हम खंगाल रहे हैं कि ये जो 24 मोटरसाइकिल होंगे से ये तो नहीं। तो इस प्रकार से ये 5 को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और क्योंकि 3 मोटरसाइकिल में FIR दर्ज था, जिसमें एक जय स्तंभ चौक के पास था, दूसरा मयूर पंख होटल के पास हुआ चोरी हुई थी और एक HDFC बैंक के पास से चोरी हुई थी। इस प्रकार से 3 मोटरसाइकिल के संबंध में ये FIR था कोतवाली थाने में। इस पर धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई है और बाकी में 41(4) के तहत और अन्य मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इन 5 को गिरफ्तार करके नए रिमांड में भेजा जाएगा। राजनांदगांव शहर में पिछले कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई और उसको संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को पकड़ा जाए। इस पर एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देशन में और इसमें लगातार काम किए। इसमें 2 महीने तक CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें सभी थाने क्षेत्र के फुटेज को देखा गया कि एक लड़का इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है और इस आधार पर इसकी जो पहचान है वो घूमका क्षेत्र का निवासी जो अशोक साहू के रूप में इसकी पहचान की गई। ये पहले भी चोरी के आरोपी में जेल जा चुका था, ऐसा सूचना मिली थी और उसको कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने शहर के 8 जगहों में चोरी किया जाना स्वीकार किया और इन 8 मोटरसाइकिल को शुरू में बरामद किया गया। उसके बाद और भी पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये डोंगरगढ़, खैरागढ़ और दुर्ग क्षेत्र में भी चोरी किया है। तो इस आधार पर हमने 24 मोटरसाइकिल इससे बरामद की
और जो जिनमें FIR था उस पर इसको गिरफ्तार किया गया है, और अन्य जो मोटरसाइकिल है उस पर 41-4 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके जो अन्य चार साथी जिसमें पवन नेताम और टिकेश्वर साहू, खुमान यदु और राजदीप साहू, ये जो इनसे लगभग 17 मोटरसाइकिल इन्होंने लिया था और विभिन्न जगहों पर खपाया था, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार से और भी इनसे कुछ तथ्य मिले हैं, और जो तथ्य के आधार पर और भी मोटरसाइकिल मिलने का अंदेशा है, और इस प्रकार से एक बड़ी घटना को सुलझाने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। वारदात के पीछे का कारण क्या है? एक तो चोर था, इसकी जो फितरत थी चोरी करने की और चोरी के माल को खपाने की, तो इस आधार पर इसने चोरी किया था। लेकिन अभी उसने बताया था कि इसको 1,00,000 रुपये कहीं से उधारी लिया था उसी को पटाने के लिए, किंतु मुख्य रूप से चोर था, तो इसकी आदत है, और इस प्रकार से इसने घटना को अंजाम दिया था। इसको पकड़ के आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।